नमस्ते। चारों तरफ लॉकडाउन है जिसके चलते सारे स्वीट्स के दुकान बंद हो चुके हैं, और आपको अगर कभी घर बैठे कुछ मीठा खाने का मन हो तो बिल्कुल निराश नहीं होइएगा। मैं आपको घर बैठे जिलेबी बनाना सिखा रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज डालना पड़ता है। इसके लिए मैं इस साइज का कप ली हूँ। इससे मैं एक कप सूजी, आधा कप मैदा, डेढ़ कप चीनी और आधा कप दही ली हूँ। दही को मैं पहले ही फेंट के रख ली हूँ। इसके बाद इलायची दाना है, जलेबी बनाने का कलर है, और फिर बनाते समय इसमें बेकिंग सोडा थोड़ा डालना होगा। इसमें मैं पहले सूजी डालूंगी, फिर मैदा, फिर इलायची के कुछ दाने। इसे मैं दही से घोल लेती हूँ। थोड़ा इसमें पानी भी डालूंगी। देखिए इस तरह इसका डो तैयार हो गया है। इसे ना तो मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाऊंगी और ना तो बहुत ज़्यादा पतला, क्योंकि बेकिंग पाउडर डालने के बाद फिर थोड़ा पतला होता है, और फिर बनाते समय अगर घोल गाढ़ा हो तो उसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं। अब मैं इसमें फूड कलर डालूंगी। फूड कलर भी बहुत ही थोड़ा डालूंगी क्योंकि इससे बहुत रंग होता है। देखिए इस तरह इसमें मैं कलर डाल दी हूँ। घोल इस तरह तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक ढक्कन से ढक करके 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। अब मैं चाशनी बना रही हूँ। उसके लिए मैं एक डेढ़ कप चीनी ली थी, और इसमें करीब एक कप पानी डालूंगी। थोड़ा सा इलायची पाउडर, देखिए चाशनी बनके तैयार हो रहा है। इसे मैं एक तार की चाशनी बनाऊंगी। चाशनी बनके तैयार हो गया है, थोड़ा चिपटने लगा ऐसा। थोड़ा नींबू का रस डाल देती हूँ जिससे कि चाशनी चिपकेगा नहीं, गाढ़ा नहीं होगा। अब इसे मैं बंद कर देती हूँ, और भी मैं तेल रख देती हूँ जलेबी तलने के लिए। और इधर हमारा डो भी तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल तैयार है। इसमें मैं 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी। तेल गरम हो रहा है। अब इसे मैं एक प्लास्टिक का, ऐसे मेरे पास है, इसका मैं कोन बना के और इसमें भरूंगी। इस तरह मैं इसे कोन में भर लूंगी एकदम टाइट से। अब मैं जलेबी बनाना शुरू कर रही हूँ। इसके लिए मैं इसमें एक छोटा सा कट लगा देती हूँ और इस तरह बनाती हूँ। तेल को मैं हल्के आंच पे रख दी हूँ। देखिए इस तरह बन रहा है। देखिए किस तरह जलेबी ऊपर तैरने लगा, कितना बढ़िया क्रिस्पी जलेबी बनने लगा।
इस तरह इसका तेल निकाल देती हूँ। देखिए जिलेबी बनके तैयार हो गया है। अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद घर में बनाइए और खाइए और फिर बताइए कि कैसा लगा। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।